हजारों लोगों के मन में इच्छा थी कि अफजल खान को उदात्तीकरण के माध्यम से उनके वहां पे जो अतिक्रमण किया गया था 1953 से कोई सरकार अतिक्रमण नहीं हटा रही थी, मगर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में वहां का अतिक्रमण हटा के जय भवानी जय शिवाजी का जय घोष करने का हमें सौभाग्य मिला। हेलो नहीं वंदे मातरम, ये तो मैंने आपके कार्यालय से सीखा। आपके कार्यालय में जब भी फोन करते तब वंदे मातरम कहा जाता है। आज मैं आखिरी अभिमान की बात कहूंगा, क्योंकि ये रायगढ़ की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां राज्याभिषेक यहाँ बड़े धूमधाम से उत्सव से हम मनाएंगे। मगर खुशी की बात यह है कि कल ब्रिटिश कॉन्सुलेट से हमारी बात हुई और छत्रपति शिवाजी महाराज के अफजल खान का पेट फाड़ने वाले वाघ नाग और छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदम्ब तलवार, ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा है कि हम महाराष्ट्र के जनता का जो छत्रपति शिवाजी महाराज में भगवान का अंश देखते हैं, हम निश्चित रूप से दर्शन के लिए ये महाराष्ट्र में माननीय एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे। मई के दूसरे सप्ताह में हम ब्रिटेन जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहे कि रायगढ़ की भूमि से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ऐसा मनाया जाएगा कि विश्व भी माननीय विश्व गौरव देश गौरव गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को सलाम करेगा, सैल्यूट करेगा, नमन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।